दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर आप किसी रॉकेट में बैठकर प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट से उड़ान भरना शुरू कर दें, तो आपके साथ क्या होगा? क्या आप भविष्य में पहुंच सकते हैं? क्या आप ब्रह्मांड की दूर दराज आकाश गंगाओं तक कुछ ही पलों में पहुंच जाएंगे, या फिर समय और स्थान के सारे नियम ही बदल जाएंगे? ऐसे ही सवाल कभी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में भी उठे थे। जब वह सिर्फ एक किशोर थे, तब उन्होंने सोचा था, अगर मैं प्रकाश की एक किरण के साथ साथ दौड़ूं, तो मुझे वह कैसी दिखाई देगी? यानी, अगर कोई वस्तु प्रकाश जितनी तेज हो जाए, तो क्या वह समय को रोक सकती है, या फिर ब्रह्मांड के सारे नियम बदल जाएंगे? यही सवाल बाद में सापेक्षता का सिद्धांत यानी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की नींव बने, जिसने विज्ञान की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। अब बड़ा सवाल यह है, आखिर प्रकाश की गति कितनी होती है? क्यों कहा जाता है कि यह ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट है? अगर कोई वस्तु प्रकाश से भी तेज चलने लगे, तो क्या समय पीछे मुड़ सकता है, या फिर पूरी वास्तविकता बिखर जाएगी? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यमयी सवालों के जवाब तलाशेंगे और समझेंगे कि क्यों प्रकाश की गति सिर्फ विज्ञान ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। प्रकाश की गति को सी से दर्शाया जाता है। इसकी सही वैल्यू है 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी करीब 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचिए, इतनी तेज रफ्तार से अगर आप चलें, तो सिर्फ एक सेकंड में पृथ्वी को 7 बार चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है, वैज्ञानिकों ने इसे आखिर कैसे मापा? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 16वीं शताब्दी में गैलीलियो ने 2 लालटेन जलाकर प्रकाश की गति मापने की कोशिश की, लेकिन प्रकाश इतना तेज था कि वे इसे पकड़ ही नहीं पाए। 1776 में डेनमार्क के वैज्ञानिक ओले रोमर ने बृहस्पति के चंद्रमा आयो का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कभी कभी आयो ग्रहण में देर से दिखाई देता है। यहीं से अंदाजा हुआ कि प्रकाश की गति अनंत नहीं बल्कि सीमित है। 1849 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हिप्पोलाइट फिजो ने घूमते हुए दांतेदार पहिए और दर्पण का प्रयोग किया और पहली बार धरती पर प्रकाश की गति को मापा। 1869 में अल्बर्ट माइकलसन ने इसी तकनीक को और बेहतर बनाया। इन्हीं प्रयोगों के कारण उन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला। आज लेजर और आधुनिक उपकरणों की मदद से हम प्रकाश की गति को बेहद सटीकता से माप सकते हैं और यह अब पूरे ब्रह्मांड की सार्वभौमिक गति सीमा मानी जाती है। अगर आप कार की स्पीड से सूर्य तक जाने की कोशिश करें, तो आपको लाखों साल लग जाएंगे, लेकिन प्रकाश को सूर्य से धरती तक आने में केवल 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। यानी जो सूरज की रोशनी अभी आपकी आंखों तक पहुंच रही है, वह असल में 8 मिनट पहले निकल चुकी थी। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चल सकती। जैसे जैसे कोई वस्तु तेज होती है, उसका द्रव्यमान बढ़ने लगता है। अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति तक पहुंच जाए, तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा और उसे चलाने के लिए अनंत ऊर्जा चाहिए होगी, जो संभव ही नहीं है। यानी प्रकाश की गति सिर्फ तेज नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की अंतिम सीमा है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, प्रकाश और समय के रिश्ते पर। आइंस्टीन ने बताया कि समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता, बल्कि यह गति पर निर्भर करता है। अगर आप प्रकाश की गति के करीब पहुंच जाते हैं, तो आपके लिए समय धीमा होने लगता है। इसे ही कहते हैं समय विस्तार यानी टाइम डायलेशन। जरा एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए दो जुड़वा भाई हैं, एक धरती पर रहता है और दूसरा प्रकाश की गति के करीब चलने वाले स्पेसशिप में यात्रा करता है। जब वह वापस लौटेगा, तो देखेगा कि धरती पर सालों बीत चुके हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ कुछ साल ही गुजरे होंगे। यानी तेज गति से चलने पर आप भविष्य में यात्रा कर सकते हैं। प्रकाश हमारे लिए सिर्फ रोशनी नहीं है, बल्कि यह हमारी टाइम मशीन भी है, क्योंकि दूर की आकाश गंगाओं से आने वाली रोशनी हमें उनका अतीत दिखाती है। चांद से आने वाली रोशनी हमें 1.3 सेकंड पुरानी दिखाई देती है। सूर्य से आने वाली रोशनी 8 मिनट पुरानी होती है। और जब हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखते हैं, तो हम उसे 25,00,000 साल पुरानी स्थिति में देख रहे होते हैं। यानी जब भी आप आसमान के तारों को देखते हैं, तो
तो आप वास्तव में समय में पीछे झांक रहे होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या कभी इंसान प्रकाश से तेज चल पाएगा? साइंस कहती है, नहीं, क्योंकि जैसे ही आप प्रकाश से तेज होंगे तो समय और स्थान के नियम टूट जाएंगे। संभव है कि आप अतीत में पहुंच जाएं या भविष्य में झांक लें। कुछ वैज्ञानिकों ने वार्म होल और वार्प ड्राइव जैसी थ्योरी दी है, जो कहती हैं कि अगर हम स्पेस को मोड़ सकें तो शायद हम प्रकाश से तेज दूरी तय कर पाएंगे। लेकिन यह सब फिलहाल सिर्फ थ्योरी है, हकीकत नहीं। प्रकाश से जुड़ी कुछ अद्भुत बातें भी हैं। प्रकाश इतना तेज है कि चांद तक पहुंचने में उसे सिर्फ 1.3 सेकंड लगते हैं। हमारी आंखें प्रकाश का सिर्फ एक छोटा हिस्सा देख सकती हैं, जिसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो जो छवि दिखाई देती है वह वास्तव में कुछ नैनो सेकंड पुरानी होती है, और ब्रह्मांड की सबसे दूर की गैलेक्सियां हमें अरबों साल पुरानी रोशनी के रूप में दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, प्रकाश की गति सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। यह हमें अतीत दिखाती है, भविष्य की झलक देती है और हमें याद दिलाती है कि हम सब इस ब्रह्मांड की सीमाओं में बंधे हुए हैं। नासा ने 1977 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को अंतरिक्ष में भेजा। वॉयेजर 1 आज धरती से सबसे दूर पहुंचा हुआ मानव निर्मित यान है। यह लगभग 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमारी आकाशगंगा के किनारे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सोचिए, यह स्पीड भी प्रकाश की गति का सिर्फ 0.006% है। यानी अगर वॉयेजर को सबसे नजदीकी तारे तक पहुंचना हो तो उसे 70,000 साल से भी ज्यादा लगेंगे। वॉयेजर मिशन के बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, जरूर देखिएगा। बाद में तकनीक ने और तरक्की की। 2018 में नासा ने लॉन्च किया पार्कर सोलर प्रोब। इसका मिशन था हमारे सूरज के बेहद करीब जाकर उसके रहस्यों को समझना। पार्कर ने अंतरिक्ष में अब तक की सबसे तेज रफ्तार हासिल की, लगभग 5,87,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यह वॉयेजर से 10 गुना तेज है। आने वाले वर्षों में यह लगभग 7,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचेगा। लेकिन जब हम इन स्पीड्स की तुलना लाइट स्पीड यानी 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से करते हैं तो साफ पता चलता है कि हम अभी भी ब्रह्मांडीय पैमाने पर कछुए की चाल से चल रहे हैं। पार्कर भी प्रकाश की तुलना में सिर्फ 0.05% तक ही पहुंच पाया है। फिर भी यह कहानी हमें इंसानों की जिज्ञासा और जज्बे की याद दिलाती है। वॉयेजर हमें बताता है कि इंसान कितनी दूर तक जा चुका है, और पार्कर हमें दिखाता है कि इंसान कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। हो सकता है आज हम प्रकाश की गति से बहुत पीछे हों, लेकिन आने वाले कल में शायद यही कदम हमें तारों तक पहुंचाने का रास्ता बना दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही साइंस और ब्रह्मांड की रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।